नमस्कार एवं तेज में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित और शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाली पुलिस ने की अंधाधुंध फायरिंग, 5 भारतीयों को मारी नेपाल पुलिस ने गोली, 1 की मौत, अन्य जख्मी। घटनाक्रम के बाद सीमा पर तनाव का माहौल। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम, अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,23,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 38 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3 लाख के करीब, अब तक 8,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत, तो 1,47,000 से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। भारत में बेकाबू हो रहा है कोरोना, ब्रिटेन को पीछे छोड़ अब दुनिया का 4th प्रभावित देश। पिछले 1 हफ्ते में भारत में रोज 10,000 के करीब मामले आ रहे हैं सामने। पिछले 24 घंटे में टूटे सभी रिकॉर्ड, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 10,956 नए मामले सामने आए, 396 लोगों की हुई मौत। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार, अदालत ने पूछा है कि जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो आपने टेस्टिंग क्यों घटा दी, अस्पतालों में हालात बद से बदतर। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने की अमेरिकी एक्सपर्ट राजनयिक निकोलस बंस से चर्चा, कोरोना संकट समेत कई अहम मुद्दों पर संवाद, दुनिया भर के हालातों पर की चर्चा। एक और बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, अब कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगा प्रतिबंध, 6 महीने के लिए फंसा ग्राहकों का पैसा। आरबीआई ने 6 महीने के लिए ग्राहकों को नए लोन देने और डिपॉजिट स्वीकार करने से रोका, इसके अलावा बैंक से किसी डिपॉजिट को रकम की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। लॉकडाउन में पूरी सैलरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इंडस्ट्री और वर्कर्स को एक दूसरे की जरूरत होती है, वे आपस में सुलझाएं विवाद। गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को जारी ऑर्डर में कहा था कि लॉकडाउन में कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी जाए, वहीं कंपनियों का कहना है कि लॉकडाउन में प्रोडक्शन बंद होने की वजह से आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना संकट के बीच शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निचले स्तर से सेंसेक्स में 1,433 और निफ्टी में 429 अंकों का करेक्शन। जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई शामिल, लेट फीस पर राहत, GSTR 3B फॉर्म के लिए नया विंडो। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार, 6 दिन में 3 रुपए से अधिक बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। कोरोना का साइड इफेक्ट, भारत का जून जुलाई में होने वाला श्रीलंका दौरा टला, टीम इंडिया को खेलने से 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल तो ने तटीय इलाकों में रहने वालों की बड़ाई चिंता, मानसून ने महाराष्ट्र और गोवा में दी दस्तक, मौसम विभाग ने गोवा और उड़ीसा में लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की दी हिदायत। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत 18 राज्यों में हल्की बारिश की जताई संभावना, गुरुवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान रहा सामान्य के करीब, मानसून के तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का असर पड़ सकता है उत्तर भारत पर। भारतीय मूल के वैज्ञानिक रतनलाल को मिला 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार, रतनलाल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित आइडिया करते हैं तैयार। CBI ने 31 करोड़ के PNB घोटाला मामले में कई जगहों पर मारे छापे, विशाखापट्टनम, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर और कटक में आरोपी के ठिकानों पर मारे छापे, दस्तावेज किए जब्त। अश्वेत को यूं से अगली पढ़ाने पर बंगाल सरकार की कार्रवाई, 2 टीचर सस्पेंड, शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने स्कूल की प्रधान शिक्षिका के साथ ही एक अन्य शिक्षिका को किया निलंबित, शिक्षा मंत्री ने कहा कि निंदनीय और आपराधिक मामला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द कपिल शर्मा शो का सेट मिस कर रही अर्चना पूरन सिंह, शेयर की थ्रोबैक तस्वीरें, पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपनी लॉकडाउन लव शेयर कर रही हैं अर्चना पूरन सिंह। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की साजिश का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने साधा निशाना, कहा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चलवाया गया था चुनाव, 2 लोगों की गलत राजनीति देश के लिए ठीक नहीं, दोनों सीटों पर जीतेगी कांग्रेस, इस पर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले रणदीप सुरजेवाला, कहा गहलोत की चक्की पिसती है तो अच्छे से पिसती है, जो हमारी सरकार अस्थिर करेगा उस पर कानून करेगा कार्रवाई।
यूपी के रामपुर में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कोरोना वायरस से बचाव की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में कई खामियां मिली, मंत्री ने दिए निर्देश। यूपी के रामपुर में युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने। गांव के ही युवक ने अगवा कर किया दुष्कर्म, आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी आरोपी की तलाश में। यूपी के लखनऊ में सिपाही को गोली मारने का आरोपी विशाल शर्मा पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। एसीपी दीपक कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर डीके उपाध्याय की टीम को मिली सफलता। आरोपी कई सनसनीखेज लूट की वारदातों में था फरार। आगरा जनपद के चंबल नदी में वन विभाग की ओर से चलाया वन संरक्षण अभियान। लुप्त जलीय जीव घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुए को लेकर चलाया था संरक्षण अभियान। अब लुप्त जलीय प्रजाति का बड़ा कुनबा। बारा के शाहबाद क्षेत्र में 11 केवी लाइन की चपेट में आया ट्रक। हादसे में झुलसे ट्रक खलासी रमेश को शाहबाद अस्पताल में करवाया भर्ती। वहीं ट्रक में लगी आग को बुझाई स्थानीय लोगों ने। जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। टिग्गी रोड के पंचमुखी गौशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गायों को खिलाया हरा चारा और गुड़। इस दौरान जिला कांग्रेस महासचिव ललित किशोर सहित कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। भरतपुर के रुदावल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दुकानदारों की लापरवाही पड़ सकती है आमजन पर भारी। सब्जी मंडी में लगी लोगों की भीड़। बारा के अंता में पुलिस ने कार से 2 किलो 91 ग्राम सोना किया जब्त। बिना बिल के सोने से बनी चेन और सोने की छोटे बड़े टुकड़े किए बरामद। पुलिस पूछताछ में कार सवार शख्स ने खुद को आभूषण बनाने वाला कारीगर बताया। दूसरी ओर पकड़े गए सोने की कीमत बताई जा रही है 2 करोड़। भिलवाड़ा में आबकारी विभाग की 19 दुकानों को खोलने का रास्ता हुआ साफ। कोरोना लॉकडाउन में छूट के बाद ठेके की लॉटरी प्रक्रिया हुई शुरू। 15 जून तक मांगे आवेदन, 18 जून को खोली जाएगी लॉटरी। किसान कल्याण कर को हटाने की मांग ने एक बार फिर पकड़ा जोर। मेड़ता सिटी कृषि मंडी के व्यापारियों ने एसडीएम केआर चौहान को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। कृषि जिंसों पर लगाए गए किसान कल्याण कर को पूरी तरीके से हटाने की रखी मांग। जयपुर के कंडी विहार में रॉयल्टी व्यापारी से लूट हत्या का मामला। दिल्ली और सोनीपत में मिले घटना से जुड़े अहम सुराग। मृतक नरेश पर बताया जा रहा है करोड़ों का कर्ज। कर्जदारों से बचने के लिए लूट की झूठी साजिश रचने की आ रही है बात सामने। पाली के देसूरी में एक दिवसीय मनरेगा मेट्रो का प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। विकास अधिकारी मोहित देवी की अध्यक्षता में 2 चरणों में हुई बैठक। 100 से अधिक मेट्रो को मनरेगा कार्य संबंधित दी गई जानकारी। बारा के पाजनटोरी गांव में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने पर चिकित्सा विभाग सतर्क। चिकित्सा कर्मियों ने गांव में 17 लोगों के लिए थे सैंपल, जिसमें एक युवक की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। अलवर के भिवाड़ी में कोरोना के 30 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। लगातार मामले बढ़ने से औद्योगिक नगरी में मची अफरा तफरी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुकानों को अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का लिया फैसला। प्रतापगढ़ के राजकीय स्कूल मनोरगढ़ की दीवार में करीब 2 से 3 इंच की आई दरारें। घटिया सामग्री का उपयोग करने के चलते 6 माह में ही आई दरारें। ऐसे में कोई हादसा घटित हो जाता है तो कौन होगा जिम्मेदार। टोंक के पिपलू क्षेत्र में बजरी से भरे वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। हादसे की सूचना पर मृतक के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने की समझाइश। सवाईमाधोपुर के मल्लाना डूंगर में बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई। खनन विभाग और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। खनन माफियाओं के 4 ट्रैक्टर ट्रॉली किए गए जब्त। अलवर के बानुसूर में गर्मी से गहराया पेयजल संकट। आमजन की समस्या पर जलदाय विभाग के अधिकारी बने मुखदर्शक। ग्रामीणों ने पेयजल संकट दूर करने के लिए विधायकों से लगाई गुहार। जालौर की भीनमाल में नगर पालिका ने चलाया सफाई अभियान। शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर को हटाया। लोगों को साफ सफाई के प्रति किया जागरूक। सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए टीम का किया गठन। भिलवाड़ा की बिजुलिया में संदेह के घेरे में अवैध खनन मामले पर हुई कार्रवाई। एक आरोपी को बचाने का किया गया प्रयास। शिकायतकर्ताओं ने की पूरे मामले में दोबारा जांच कराने की मांग। भरतपुर के बयाना में बंद बारेठा की सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। व्यापार संघ ने लिखा सांसद और विधायक को पत्र। जल्द सड़क निर्माण करने की मांग। मांडलगढ़ में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर धर्मगुरुओं की बैठक। सुझावों के आधार पर प्रशासन करेगा धार्मिक स्थल को खोलने का निर्णय। सरकार की गाइडलाइन का भी सख्ती से किया जाएगा पालन। डूंगरपुर जिला धीरे धीरे कोरोना से हो रहा है मुक्त। जिले में 382 पॉजिटिव केस में से 23 केस ही एक्टिव। 272 मरीज पूरी तरीके से हो चुके हैं स्वस्थ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी, धमकी के बाद मुख्यमंत्री आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। धमकी देने वाले आरोपी कामरान को यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र एटीएस की मदद से दबोचा। यूपी के सोनभद्र में सेना के जवान ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप, रिश्वत के लिए घर पर छापा मारकर परिजनों को परेशान करने का लगाया आरोप, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में छेड़खानी के विरोध में बस्ती पर किए गए हमले का मामला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई सख्ती, थाना अध्यक्ष को किया निलंबित, 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर किया बरामद, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग बच्चे से हुई दरिंदगी की शिकार पड़ोसी युवक ने दिया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, तो वहीं अस्पताल में लगी मीडिया कवरेज पर रोक। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर 2 तमंचा कारतूस समेत लूट के वाहन किए बरामद। आगरा में एटीएम से कैश चोरी की बड़ी वारदात, 6 लाख रुपए कैश बरामद किए, थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में हुई वारदात, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। कोविड-19 को लेकर भारत नेपाल सीमा सील होने के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी जारी, नेपाल के रास्ते तस्करी कर रहा युवक रियाज को 1 किलो 200 ग्राम नेपाली चरस के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में एक ही परिवार में 7 कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग को जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, पूरे इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया। यूपी के झांसी में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या, बदमाश सोने के आभूषण लेकर हुए फरार, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कोरोना संक्रमण के बीच मैचिंग मास्क का ट्रेंड हुआ शुरू, अजमेर में जोरों पर है शेरवानी विद मास्क का चलन, व्यापारियों ने बदलते ट्रेंड को किया फॉलो। झालावाड़ के खानपुर में बालिका स्कूल बंद होने का मामला, विधायक नरेंद्र नागर ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र, किसी अन्य सरकारी भवन में शिफ्ट करने की मांग। रावस्थल के राजकीय चिकित्सालय में नसबंदी शिविर फिर से हुआ शुरू, कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 महीनों से था बंद, शिविर में सरकार की गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। जालौर के आहोर में पुलिस को मिली सफलता, गांव में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 लाख की चोरी का हुआ पर्दाफाश, 15 लाख के आभूषण भी बरामद। अजमेर के सरवाड़ में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट, बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों और व्यापारियों के काटे चालान, लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। अलवर के राजकीय कला कॉलेज में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का मामला गरमाया, गिरफ्तार किए गए छात्र संघ अध्यक्ष को कोर्ट में किया पेश, कॉलेज के चौकीदार को बंधक बनाकर जबरन प्रतिमा की थी स्थापित। बांदीकुई क्षेत्र के हिंगोटा में मनरेगा कार्यों का जायजा लेने गए कनिष्ठ सहायक राजेश मीणा के साथ की मारपीट, मीणा ने नामजद लोगों के खिलाफ करवाया था मुकदमा दर्ज, कार्रवाई नहीं होने के चलते कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। जयपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, शिकार के आरोप में 4 लोगों को धरा दबोचा, सुमेल की डूंगरी में पाटागो का शिकार करते हुए युवकों को पकड़ा। गैरोड़ में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का मनाया गया जन्मदिन, पशु पक्षियों को खिलाया गया दाना पानी, कोरोना को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान। अजमेर के मसूदा में महिला से मारपीट और लज्जा भंग करने का मामला आया सामने, पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मामला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दौसा के बांदीकुई में निवर्तमान सरपंच द्वारा इंदिरा आवास के नाम पर पैसे ऐंठने का मामला, उपखंड अधिकारी को सरपंच के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, ग्राम पंचायत उनबड़ा का है मामला। प्रबंध निदेशक और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पीके गोयल भिलवाड़ा दौरे पर, गोयल ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय और आरएफसी गोदामों का किया निरीक्षण। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क, चिकित्सा विभाग ने 616 लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल। इलेवन तेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।